Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Vanya Mishra and आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. सो रेसिपी पे जम करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. तो आज डेट है 9th of April एंड अभी टाइम हो रहा है शाम के 5. सो लिटरली मी एंड उदित वॉज क्रेविंग समथिंग गुड टू ईट और इट्स बीन सो लॉन्ग कि हम लोग घर का ही बकवास सा खाना खा रहे हैं एंड वी आर नॉट इवन ऑर्डरिंग समथिंग बाहर से. और सो आई लिटरली वॉन्टेड टू मेक समथिंग गुड बट ज़्यादा एफर्ट डालने का भी मन नहीं था. सो रिसेंटली अभी ज्योति सेठी ने उनके यूट्यूब पर एक बहुत ही अच्छी नमक पारे की रेसिपी शेयर करी थी. तो जिस दिन से मैंने वो रेसिपी देखी थी आई सो वॉन्टेड टू ट्राई इट और मैंने सोचा कि बनाते बनाते आई व्लॉग दिस क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी फन. क्योंकि यू ऑल नो दैट आई एम नॉट अ गुड कुक और I can hardly make roti sabzi. So I'm making this kind of thing first time in my life. और मैंने आज तक कभी भी नमक पारे नहीं बनाया है जिनको आप मटरी सलोनी खुरमे भी बोल सकते हैं. So let's see कि कैसी बनती है. और मैंने सारे ingredients collect कर लिए हैं. I'll show it to you in like 10 seconds. But video में jump करने से पहले if you are new to my channel then please do not forget to subscribe to it and hit on the like button if you like this video. So yeah. पहले उन्होंने एक कप आटा लिया है जो कि मैंने ले लिया है and then she took 1/4 cup of suji और you can say रवा and then some काली मिर्च, some अजवाइन and some salt. तो मैंने ये सारी चीजें तो इधर prepare कर ली है and now I am going to mix everything. And abhi I am going to add some black pepper. And black pepper I am not going to add bahut zyada. Okay, so sare mixture ko add karne ke baad unhone thoda sa oil garam karke isme dala hai. So abhi maine oil garam karne ke liye pan heat up kar diya hai. And I'm going to take इसी में से like 4-5 spoons of oil. Okay, so oil अभी बहुत ज़्यादा गर्म है so I am letting it cool down a little bit ताकि मैं उसके बाद इसको अच्छे तरीके से भून सकूँ. और मेरा पैन कम्प्लीटली हीट अप हो गया तो मैंने उसकी गैस भी बंद कर दी है बिकॉज अदरवाइज बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा तो जो हमारे नमक पारे हैं वो जल सकते हैं. एंड प्लीज़ आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार ये चाय के साथ. आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. तो जब मेरी जैसी लड़की को जो कि बिल्कुल भी कुकिंग पसंद नहीं करती है उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आई नो कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. ट्राई टू ब्रेक द लम्स जो इस मिक्सचर में पड़ गए हैं ऑयल की वजह से. एंड उन्होंने वीडियो में बताया है कि अगर आपको मिक्सचर ऐसे बाइंड होने लगे तो दैट मीन्स इट इज रेडी टू मिक्स विद वाटर और मेरा अभी बाइंड तो होने लग गया है तो अभी मैं इसको क्विकली भूंज लेती हूँ पानी से. पानी चाहिए खुशबू तो तेल की आ रही है. अभी बना भी नहीं और खुशबू आने लग गई. इसे एक सॉफ्ट आटा गूंथेंगे ताकि हमारी मटरियां भी लाइक क्रिस्पी तो बने बट बहुत ज्यादा हार्ड ना बने. तो थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके मैं इनको गूंथ रही हूँ. एंड अगर आपको इस टाइप के ब्लॉग वीडियो अच्छे लगते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वी कैन डू मोर ऑफ दिस सॉर्ट्स बिकॉज अभी तो मेरा दिन भर ही किचन और सब जगह जाता है एंड आई कैन डू मोर ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोस. अच्छी हमारे किचन में अभी चिपकली थी दो दिन पहले सो मुझे ऐसा लगा कि शी इज बैक नाउ बट शी इजंट. ओके सो मैं अभी इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पर रख रही हूँ एंड 10 मिनट के बाद भी इसका है. 11 मिनट्स लेटर. ओके
लोगों के नमक पारे बन गए हैं एंड ये दो कलर्स में बने हैं. थोड़े से फर्स्ट वाली जो गान थी वो डार्क हो गई थी बिकॉज मैं उसको टाइम पे निकाल नहीं पाई थी, और जो सेकंड वाली है वो तो भी बेटर कलर में बनी है, बट दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं. ये देखिए, आई डोंट नो आपको वैसा आवाज़ आ रहा है कि नहीं जैसा ज्योति के वीडियो में आया था, बट लाइक दे टेस्ट अमेजिंग. और बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसे बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इसको टाइम पर बाहर निकालें, अदरवाइज मेरे जैसे आपके थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे एंड वो टेस्ट में तो अच्छे लगेंगे बट दिखने में नहीं. और मैंने अभी साथ ही साथ चाय भी बनाई है, सो यस वी आर इन्जॉइंग अवर इवनिंग टी एंड सम अमेजिंग नमक पारे स्नैक. So that's it for this video today guys. I hope you enjoyed it and the recipe was so tasty and mouth melting, and I'm definitely gonna make more of this recipe sort of vlog videos. And do not forget to subscribe to my channel if you haven't already and give this video a like. So yes, until then, see you next time. Bye bye.